नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, हम हमेशा पशुओं से संबंधित कोई ना कोई बीमारी या उसकी समस्या का समाधान करते हैं, उसी प्रकार से आज हमारे एक भाई हंसराज जी सेन जो पावा से हैं, उन्होंने हमें एक समस्या भेजी है, तो आइए देखते हैं उनकी समस्या क्या है। सर, ये हमारी बकरी है जो 3 दिन से परेशान है। इसका थन में ना जाने कौन सा इंफेक्शन हो गया है, जिससे ना तो दूध निकलता है, बच्चे भी परेशान हैं, वो भी दूध नहीं पी रहे हैं। तो इसका हमें समाधान चाहिए। इनका थन देखो कितने ख़राब हो चुके हैं, 3 दिन से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हम ये बकरी भी परेशान है बहुत ही, बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान है। जैसा कि इन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि इनकी जो बकरी है, ब्याने के तुरंत बाद उसके जो थन है वो बहुत ही बड़े हो गए हैं, और हमें वीडियो में दिख रहा है कि एक जगह पैर के लगने से या किसी प्रकार से घाव भी पड़ गया है। साथियों, सिर में से दूध उनके सही आ रहा है, लेकिन बाहर चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा सूजन है, और सूजन एकदम से चमकीली और लाल हो रखी है। जहाँ पर घाव रखा है वहाँ से पानी टपक रहा है। बकरियाँ जो छोटे बच्चे हैं वो दूध नहीं पी रहे हैं। तो साथियों, ये जो समस्या है ये बकरियों में थनेला रोग की है, लेकिन ये जो थनेला रोग इस बकरी को हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा सूजन है, एकदम से चमकीली, और हमें बाहर से देखने से लग रहा है जैसे पूरे में पानी पानी भरा हुआ हो, एकदम से चमक रही है। अगर हम एक जगह से दबाएं तो वो दब जाएगी, खड्डा बन जाएगा। तो ये जो समस्या है ये है फंगल इन्फेक्शन, और इसका अगर समय पर इलाज कर दिया जाए तब तो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर समय पे इलाज नहीं किया जाए तो ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है। साथियों, तो आइए इसके इलाज की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, इस प्रकार की समस्या अगर आपकी बकरी को हो जाती है तो हमें 3 प्रकार के इलाज करने हैं, और इस वीडियो में मैं तीनों इलाज विस्तार से बताने वाला हूं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है साथियों, 5 मिनट का सवाल है। आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको इस बीमारी का पूरा इलाज पता चल जाए, क्योंकि जिस भाई की ये बीमारी हो जाती है थन खराब हो जाते हैं, ये विशेष ध्यान रखें साथियों। तो इसके लिए हमें करना क्या है, पहला जो हमारा इलाज है उसमें हम एक ऐसा पेस्ट बनाएंगे जो पेस्ट हम थनों पर लगाएंगे यानी अप्लाई करेंगे। वो जो पेस्ट है उसके लिए हमें 5 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो प्रथम चीज़ है वो है साथियों राई, जो हम तड़का लगाने में या रसोई में काम में लेते हैं। हमें 25 ग्राम राई लेनी है, इसके साथ हमें 10 ग्राम हल्दी लेनी है, और हल्दी के साथ साथ साथियों हमें जो हमारे घर में रहती है सौंठ, सौंठ जो पाउडर होता है ना, वो भी हमें 10 ग्राम लेना है। इन तीनों को अच्छी तरह से हम हमाम दस्ते में कूट लेंगे, और कूटने के बाद जब ये बढ़िया सा पाउडर बन जाए हमें इसमें 15 से 20 ml सरसों का तेल मिलाना है। सरसों का तेल इतना मिलाएंगे साथियों कि एक पेस्ट बन जाए जो ना ज्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज्यादा पतला हो, क्योंकि गाढ़ा रहेगा तो थन पे टिकेगा नहीं, और पतला होगा तो भी थन पे टिकेगा नहीं, यानी ऐसा पेस्ट हो जो थन पे इजीली लग जाए। इसके अलावा इस पेस्ट को तैयार करके एक तरफ रख दें कटोरी में, और दूसरी कटोरी में आप 20 ग्राम चीनी लें, उसका भी पाउडर बना लें, अगर देसी चीनी है अच्छी बात है, नहीं तो ये चीनी ले लें और उसमें आप 20 ml पानी मिलाएं, तो वो चीनी चाहे सॉलिड है चाहे पाउडर है उसमें पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगी। उसका भी हमें पेस्ट टाइप बनाना है, और जब हम लगा रहे हैं थन के उस समय इन दोनों को आपस में मिला करके और पूरे थन पे अच्छी तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद कम से कम 2 या 2.5 घंटे आप इसे लगाया हुआ रखें। उसके बाद अगर आपके घर पे पीपी है तो पीपी के पानी से धो लें, पीपी नहीं है तो नीम के पानी, नीम की जो पत्तियां उनको पानी में डाल करके उबाल लें, उसका जो पानी है वापस उसको ठंडा करके और उससे आप इसको धोएं, और धोने के बाद अच्छी तरह से धो लिया उसके बाद आप बच्चों को दूध पिला दें। दूध पिलाने के बाद आप वापिस से लगाएं। हमें दिन में 3 बार ये पेस्ट लगाना है साथियों, थोड़ी मेहनत जरूर करनी होगी क्योंकि बकरी के थन का सवाल है, तो ये पेस्ट हमें 3 बार लगाना है। दूसरा जो इलाज है साथियों हमारा देसी घरेलू इलाज, उसमें हमें बकरी के पेट में कुछ देना है, और बकरी के पेट में हमें देने के लिए 3 चीजें हमें चाहिए।
पहली जो चीज है वो है सरसों का तेल, जो हमें 100 ml लेना है। दूसरी जो चीज है वही चीनी जो हम घर पे काम में लेते हैं, वो भी हमें 100 ग्राम लेना है। और तीसरी जो चीज है वो है एक नींबू। तो एक नींबू का रस हम निकाल लेंगे और वो सरसों के तेल में मिला देंगे, और उसमें पहले से गोली हुई 100 ग्राम चीनी मिला देंगे, और इन तीनों को मिला करके हम अपनी बकरी को किसी भी छोटी जो बोतल वगैरह होती है उससे हम आसानी से बकरी को पिला दें। ये नुस्खा हमें 2 समय देना है साथी। अगर बकरी को डायरिया वगैरह की कोई शिकायत है, दस्त वगैरह की कोई शिकायत है, तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि इस खुराक को हम आधा कर दें। नींबू तो पूरा लेना है, बाकी चीनी और सरसों के तेल को आधा कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और भी ध्यान रखें साथियों, हमें बकरी को किसी भी सूरत में धान नहीं खिलाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि अगर इस इन्फेक्शन में अगर आप धान खिलाएंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और बकरी को सेकेंडरी और भी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे पेट में आफरा, पानी भर जाना। तो ये विशेष ध्यान रखें कि धान आप ना खिलाएं। इस फंगल इन्फेक्शन के लिए हमारा जो तीसरा इलाज है वो है एक निडल से पानी निकालना। यानी जैसा कि देखो हाथ में दिखाई गई एक 18 नंबर की निडल है, जिसकी नोक हमें स्किन पे डालनी है, अदरक स्किन पे, और वहां से धीरे धीरे पानी टपकने लग जाएगा। ऐसे हम काफी छेद इस पे कर सकते हैं, छेदों में से पानी निकलने लग जाएगा और ये थन हल्का हो जाएगा। लेकिन इसमें विशेष सावधानी ये रखने की है साथियों, हमें ये इलाज डॉक्टर की मौजूदगी में, डॉक्टर की सलाह से ही करना है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये घाव ज़्यादा हो जाते हैं और स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। ये इलाज मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो गोल्ड फार्मिंग करते हैं, जिनके पास बहुत सारी बकरियाँ हैं, सारे इंजेक्शन वो अपने पास रखते हैं और लगाते हैं, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप अच्छा सा एंटीबायोटिक यूज़ करें, और अच्छा एंटीबायोटिक लगाने के बाद ये जो तकलीफ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यानी पानी निकालने के बाद एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटीहिस्टामिनिक लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीमारी में साथियों, जब तक सीर में से, यानी जहाँ से दूध निकलता है वहाँ से बराबर दूध निकल रहा है और सूजन बहुत ज़्यादा है, बाहर से चाहे पानी टपक रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वो पानी जब तक दूध में नहीं मिला है, यानी कि दूध के साथ पानी नहीं आ रहा है, तब तक ये स्थिति कंट्रोल में होने लायक है। अगर दूध में पानी आने लग जाता है किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में, दूध में अगर पानी या दूध जो है वो पानी जैसा आने लग जाता है, तब बकरी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। इसलिए समय पर इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, बकरियों के जस्ट प्रसव के बाद, यानी ब्याने के तुरंत बाद 90% तक जो मेस्टाइटिस होती है, उसमें से 90% तक ये मेस्टाइटिस होती है, फंगल मेस्टाइटिस। तो आप, मैंने जो इलाज बताया है, सावधानी पूर्वक अपनी बकरी पे इस्तेमाल करें। जो भाई पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारियां हम हमारे चैनल पर रोज हर वीडियो में लेके आते रहते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग जानकारी के साथ। धन्यवाद।